दोस्तों आज का शोडाउन दो जेंट्स के बीच है, मॉन्स्टर वर्स का मेका गॉडजिला, वहीं बेन 10 का सबसे बड़ा एलियन अल्टीमेट वेबिक। आखिर इन दोनों में कौन होगा विनर, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किस देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की मूवी तो देखी होगी, जिसमें मेका गॉडजिला गॉडजिला को पूरी तरह पीटता है। यही नहीं, मेका गॉडजिला गॉडजिला और कॉन्ग पर एक साथ भारी पड़ रहा था। अगर उसके कंट्रोल पैनल को डैमेज नहीं किया गया होता तो वह दोनों मॉन्स्टर को हरा सकता था। मेका गॉडजिला 400 फीट लंबा है और 1,56,000 टन भारी है, जो गॉडजिला और कॉन्ग से बड़ा है, जिसके सामने गॉडजिला कुछ नहीं कर पाता। गॉडजिला के हर एक हमले का उसके पास जवाब होता है और मेका गॉडजिला गॉडजिला और कॉन्ग पर एक साथ भारी पड़ता है। गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर भी मेका गॉडजिला को हरा नहीं पाते। मेका गॉडजिला के पास कई अनोखे वेपन है। मेका गॉडजिला के पास एक डेडली ड्रिल है जो उसके पूंछ में लगा होता है, जिससे वह गॉडजिला और कॉन्ग को छेद सकता था। मेका गॉडजिला के शरीर में बहुत से मिसाइल लगे होते हैं, जिससे वह गॉडजिला पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ है, जिससे वह सिटी को तबाह कर सकता है और दूसरे मॉन्स्टर को मार सकता है, वैसे ही मेका गॉडजिला के पास प्रोटॉन स्क्रीम है, जिससे उसने स्कल कॉलर के टुकड़े कर दिया था। यह प्रोटॉन स्क्रीम इतना शक्तिशाली होता है कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को ओवरपावर कर देता है। मेका गॉडजिला के पास थ्रस्टर है जो उसके बैक और साइड में लगा होता है, जिससे मेका गॉडजिला जल्दी से मूवमेंट कर पाता है। इसके अलावा मेका गॉडजिला के पास एनर्जी पंच है, जो अपने दुश्मन को अपने हाथों से एनर्जी निकालते हुए पंच मार सकता है। यह पंच इतना शक्तिशाली होता है कि गॉडजिला को एक ही बार में गिरा देता है। मेका गॉडजिला मॉन्स्टर वर्स का शक्तिशाली विलेन है, तो दूसरी तरफ है बेन 10 का शक्तिशाली एलियन अल्टीमेट वेबिक। वेबिक कॉस्मिक स्टॉर्म ग्रह से, जिसके प्रजाति को टोको स्टार कहते हैं। अल्टीमेट वेबिक के पास वो सारे पावर्स और एबिलिटीज है जो वेबिक के पास है, बल्कि अल्टीमेट फॉर्म में उसकी पावर्स दोगुना हो जाती है और उसका साइज भी डबल हो जाता है। वेबिक के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से उसने विल गैस को कई बार हराया है, डिस्ट्रॉय आर एलियन में इविल वेबिक को हराया है और अपने स्ट्रेंथ से अपने जितने साइज के मॉन्स्टर या एलियन को स्पेस में फेंक सकता है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, जो कि किसी प्रकार के अटैक को झेल सकता है, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट। यहाँ तक कि उसे डायगन के हीट विजन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। सुपर ह्यूमन स्पीड है, वेबिक जितना बड़ा है उतना ही फास्ट है। वह अपने स्पीड से पानी में स्ट्रॉम बना सकता है, जिससे उसने गार्बेज मॉन्स्टर को स्पेस में फेंक दिया था। यही नहीं, वह इतना फास्ट रोटेट करता है कि रे को रिफ्लेक्ट कर सकता है। वेबिक कॉस्मिक स्टॉर्म से है, तो उसके पास कॉस्मिक की पावर है। वह अपने हाथों से कॉस्मिक रे छोड़ सकता है, जो नॉर्मल रे से बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, और कॉस्मिक डिस्क का छोड़ सकता है, जो उसके दुश्मन काटने की क्षमता रखता है, जिससे उसने गाइगन के टेंटिकल काट दिया था। इसके अलावा अल्टीमेट वेबिक के पास कॉस्मिक स्टॉर्म मैनिपुलेशन की शक्ति है। वह स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, अल्टीमेट फॉर्म में उड़ भी सकता है। अगर उसके शक्तिशाली मूवमेंट को देखते हैं तो विल गैस को कई बार हरा चुका है, डिस्ट्रॉय ऑल एलियन में इविल वेबिक को हरा चुका है, एब्सोल्यूट पावर पार्ट 1 में वेबिक ने मैजिकल कोइन को हराया है, अल्टीमेट सेक्रेस फायर में 6 अल्टीमेट एलियन से लड़ चुका है। अल्टीमेट वेबिक बेन 10 के शक्तिशाली एलियन में से एक है, वही मेका गॉडजिला मॉन्स्टर वर्स का शक्तिशाली विलेन है। अल्टीमेट वेबिक ने कई सुपर विलेन्स को हराया है, वही मेका गॉडजिला ने गॉडजिला को बुरी तरह पीटा है। मेका गॉडजिला के पास ड्रिल, प्रोटॉन स्क्रीम जैसे अनोखे एबिलिटीज हैं, वहीं अल्टीमेट वेबिक के पास फ्लाइट, कॉस्मिक रे और कॉस्मिक डिस्क जैसे एबिलिटीज हैं। अल्टीमेट वेबिक के पास मेका गॉडजिला के मुकाबले कुछ ज़्यादा एबिलिटीज हैं, जो कि इस फाइट में काम आ सकते हैं, जैसे कि मेका गॉडजिला उड़ नहीं सकता, लेकिन अल्टीमेट वेबिक उड़ सकता है, तो उसके पास एक अच्छा एडवांटेज है।
मेका गॉडजिला के पास ड्रिल, मिसाइल लॉन्चर्स और प्रोटॉन स्क्रीम है, जिससे वह अल्टीमेट वेबी को डैमेज करने की कोशिश करेगा। वहीं अल्टीमेट वेबी के पास कॉस्मिक रे और कॉस्मिक डिस्क है, जिससे वह मेका गॉडजिला को डैमेज करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा अगर ये दोनों जायंट्स आमने सामने हों? तो सबसे पहले मेका गॉडजिला अपने मिसाइल से वेबिक पर हमला करेगा, तो इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मिसाइल से गॉडजिला कुछ नहीं हुआ था। तो अल्टीमेट वेबिक भी बहुत ड्यूरेबल है। अगर मेका गॉडजिला ड्रिल से हमला करता है तो उसके लिए उसे पास जाना पड़ेगा। दूसरा कि अल्टीमेट वेबिक टोकू स्टार के मटेरियल से बना है, जो कि बहुत ही हार्ड है, जिससे उसके बॉडी में छेद करना मुश्किल है। इसके अलावा मेका गॉडजिला के पास प्रोटॉन स्क्रीम है, जो उसका शक्तिशाली एबिलिटी है। वहीं अल्टीमेट वेबिक के पास कॉस्मिक रे है, जो उसका शक्तिशाली एबिलिटी है। तो सवाल यह है कि प्रोटॉन स्क्रीम ज़्यादा शक्तिशाली है या कॉस्मिक रे? प्रोटॉन स्क्रीम से गॉडजिला के एटॉमिक बेथ को ओवरपावर कर दिया था, लेकिन इससे गॉडजिला को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। वहीं कॉस्मिक रे से अल्टीमेट वेबिक आसानी से किसी भी सिटी को तबाह कर सकता है। हालांकि इसे अच्छी तरीके से बताया नहीं गया है, प्रोटॉन स्क्रीम से हमला करता है तो अल्टीमेट वेबिक रोटेट होकर बच सकता है, या फिर टकरा भी जाती है तो इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं वेबिक के कॉस्मिक रे से मेका गॉडजिला में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे कि वेबिक के जीतने की चांस बढ़ता है। अल्टीमेट वेबिक के पास कॉस्मिक डिस्क है, जिससे उसने डाइगन के टेंटिकल को काट दिया था, तो हो सकता है कि इससे वह मेका गॉडजिला को भी काट दे। इसके अलावा वह उड़ भी सकता है, तो उसके पास उड़ने का भी एडवांटेज है। इन सब से तो क्लियर हो जाता है कि इस फाइट का विनर अल्टीमेट वेबिक होगा। अगर इन दोनों का साइज का भी कंपेरिजन करते हैं तो मेका गॉडजिला 400 से 430 फीट बड़ा है, वहीं अल्टीमेट वेबिक 400 से 600 फीट बड़ा माना जाता है। तो इनके साइज को बराबर मान लेते हैं तो मेरे ओपिनियन से इस बैटल का विनर अल्टीमेट वेबिक होगा, जो अपने कॉस्मिक डिस्क से मेका गॉडजिला को काट सकता है, कॉस्मिक रे से उसके बॉडी में शॉर्ट सर्किट कर सकता है, उसके पास फ्लाइट करने का एडवांटेज है, और मेका गॉडजिला को दूसरे जायंट मॉन्स्टर की तरह स्पेस में भी फेंक सकता है। दोस्तों, ये तो था मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप गॉडजिला वर्सेस अल्टीमेट वेबिक का शोडाउन देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।